जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंदे हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाता। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم। मोहतरम हज़रात असातिज़ा किराम व मुअज़्ज़ज़ तलबा इज़ाम और हज़रत मुहतमिम साहब क़िबलत अहमद बरकातुहु, अल्लाह तबारक व ताला का बड़ा ही फ़ज़ल उसका करम उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अकाबिरीन के तर्ज पर जिस तरह यौम आज़ादी भारत में हर साल 15 अगस्त को कौमी तातील के तौर पर मनाया जाता है, सन 1947 में इसी तारीख को हिंदुस्तान ने एक तवील जद्दोजहद के बाद ममलकत मुत्तहदा के इस्तेमार से आज़ादी हासिल की थी। बरतानिया ने क़ानून आज़ादी हिंद 1947 का बिल मंजूर करके क़ानून साजी का इख्तियार मजलिस दस्तूर साज को सौंप दिया था। आज़ादी हिंद का नतीजा थी, जिसके तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़ियादत में पूरे हिंदुस्तान में तहरीक आदम तशद्दुद और सिविल नाफरमानी में आवाम ने हिस्सा लिया और इस जदोजहद में हर कस व नाकस ने अपना ताउन पेश किया। हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ साथ तकसीम हिंद का वाक़या भी पेश आया और बरतानवी हिंद को मजहबी बुनियादों पर दो टीमों में तकसीम कर दिया गया। भारत की टीम एक पाकिस्तानी टीम। इस तकसीम के नतीजे में दोनों तरफ ख़तरनाक मजहबी फसादात हुई, जिनमें तकरीबन 1.5 करोड़ लोग मारे गए और उसी तादाद में बेघर हुए। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत के वज़ीर आज़म भारत जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में वाक़े लाल किले के लाहौरी दरवाज़े पर भारत का नया परचम लहराया। उसी दिन से हर साल भारत का वज़ीर आज़म भारतीय परचम लहराता है और मुल्क को खिताब करता है। इस दिन पूरे मुल्क में कौमी तातील मनाई जाती है और जगह जगह परचम कशाई और दीगर रस्मी तकरीबात के ज़रिए जश्न आज़ादी मनाया जाता है। हम भी अकाबिरीन जो हमारे इस आज़ादी के लिए बहुत सारे उलमा इकराम अपनी जान की कुर्बानी दी है, इसी को हम भी मनाते हुए मैं इसकी इब्तिदा इसकी शुरुआत क़िराते कलाम पाक से करने के लिए हाफिज़ मोहम्मद सुलेमान को दावत देता हूँ कि वह आए सबके सामने क़िराते कलाम पाक पेश फरमाएं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاك الله الله حافظ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اس کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے اللہ جل جلالہ و من حوله کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. میں آپ کے مداح میں آپ کی شان میں نعت پیش فرمانے کے لیے محمد فیضان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پیش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدایت کی ضیا لے کر جگانے مصطفیٰ آئے. ہدایت کی ضیا لے کر جگانے مصطفیٰ آئے. ضلالت کی گھٹاؤں کو ہٹانے مصطفیٰ آئے. نبوت کا علم لے کر رسول کی شمع لے کر
जनाने मुस्तफा आए। बगावत की फिजाओं में, जिहालत की घटाओं में, शरीयत की शमा लेकर जलाने मुस्तफा आए। सल्लल्लाहु अज़ीम। माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं उसके बाद उर्दू तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद याकूब को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी तकरीर पेश फरमाए। نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد جب چمن میں لہو کی ضرورت پڑی جب چمن میں لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم बात फूलों की होती तो सह लेते हम अब तो कांटों पर भी हक हमारा नहीं। हजरत उलमा इकराम और हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, जब सरजमीन हिंद पर अंग्रेज़ों के नापाक साए पड़े, पाशिंदगाने हिंद पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों का खून पानी से आरज़ा होने लगा, जब अपने वतन की इज्जतें सड़कों पर नीलाम की जाने लगी, जब हिंदुस्तानियों की जाने खिलौने से सस्ती हो गई, जब अपने वतन अजीज में ही इनका रहना मुश्किल कर दिया गया था, और जब अंग्रेज़ों के खूनी अफरियत ने हिंदुस्तानियों को अपने पंजे गुलामी में जगड़ने लगा, ऐसे नाजुक हालात और हौलनाक माहौल में, जबकि मुंह खोलना क़यामत से कम नहीं था, अपनी ज़बान खोलना गोया मौत को दावत देना था, वक्त के सबसे बड़े आलिम दीन अमीरुल मुहद्दिसीन हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाही अलैह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया। आपने ऐलान किया कि अब अंग्रेज़ों की फौज में भर्ती होना हराम है, ये मुल्क अब दारुल हरब हो चुका है, ऐसे वक्त में अंग्रेज़ों से जिहाद फर्ज हो चुका है। मोहतरम हजरात, आपका फतवा क्या था? अंग्रेज़ों के खिलाफ तूफान बिलाख़िर जिसमें काशान फिरंगेत खसो खाशक की तरह उड़ता चला जा रहा था, अंग्रेज़ों के खिलाफ खुलम खुला जंग शुरू हो गई, मुसलमान मैदान जिहाद में बेखौफ व कतर कूद पड़े, अंग्रेज़ों से दो बदू आमने सामने ऐसी टक्कर ली कि उनके छक्के छूट गए, नाचार अंग्रेज़ों को अपने कदम पीछे हटाना पड़ा। इस फतवे के बाद पूरे मुल्क में अंग्रेज़ों से आम नफरत फैल गई और हर हिंदुस्तानी के सीने में जज्बे आज़ादी मचलने लगी। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी सबसे मशहूर और खौफनाक है, जिसमें अंग्रेज़ों के जुल्म सितम की इंतहा हो गई थी और हिंदुस्तानियों पर अरसा तंग कर दिया गया था, मगर इसके बावजूद मुसलमानों ने अंग्रेज़ों का भरपूर मुकाबला किया और अंग्रेज़ी जुल्म के आगे सदे सिकंदर ही बने रहे और किसी भी तरह की कुर्बानी से दरिया ना किया। बिला आखिर अल्लाह ने वो दिन दिखाया जब हिंदुस्तान के सर पर आज़ादी का परचम लहराने लगा, गुलामी की जंजीरें कटी और वतन अजीज के चमन में फिर से बाहर आ गया। दोस्तों, जब सरजमीन दोस्तों जंग आज़ादी में मुसलमानों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी है, ला तादाद उलमा इकराम शहीद किए गए, अगरचे गैर मुस्लिम भाइयों की खिदमत का इनकार नहीं, मगर यह सच है कि अगर मुसलमान खुसूसन उलमा इकराम जंग आज़ादी में हिस्सा ना लेते तो हिंदुस्तान कभी आज़ाद ना होता। आज हिंदुस्तान की तारीख को मस्क करके पेश किया जा रहा है, उलमा इकराम की कुर्बानियों और मुसलमानों की मेहनतों को फरामोश किया जा रहा है। आम खुद बहुत सारे मुसलमानों को ये पता नहीं कि हमारे आबा व अजदाद ने हिंदुस्तान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, आज़ाद हुए तकरीबन 77 साल हो गए, लेकिन मुसलमानों को उनका जायज़ हक नहीं दिया जा रहा है। मुसलमान जिस परेशानी में पहले थे आज भी उसी परेशानी में है, बल्कि दिन ब दिन उसमें इजाफा ही हो रहा है।
मुसलमानों को ये ताना दिया जा रहा है कि तुम्हारा आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं, लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान खुद आगे बढ़े और तारीफ झुटलाने वालों को सच का आईना दिखाए। और हम हमारे इन मोहसिन मुसलमानों और उलमा इकराम की मेहनतों और कुर्बानियों को दुनिया के सामने पेश कर कर के बतलाते आ रहे हैं कि उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। मैं इसी बात पर अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मुल्क की आज़ादी पर मोहम्मद याकूब ने बड़े ही अच्छे अंदाज में तकरीर पेश फरमाई। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको बेहतरीन मत का खतीब बनाए। उसके बाद मैं कन्नड़ में तकरीर पेश करने के लिए तैयब बेग को दावत देता हूँ कि वह आए और कन्नड़ में तकरीर पेश फरमाए। بسم الله الرحمن الرحيم ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತೊರೆದ ಪವಿತ್ರ ದಿನ. ಹೌದು, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಆಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರು. ನವಜನರು ಬದುಕಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಮಂಗಲ ಪಾಂಡೆ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ್ ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್, ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್, ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್, ಶಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ದೆಹಲಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ವೀರರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ತ್ಯಾಗದ ಫಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು, ಓದಲು, ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಜದಾಯ ಖೈರ್ ಅತಾ ಫರ್ಮಾಯೆ. ಕನ್ನಡ ಮೇ ಬೆಹತರೀನ್ ತಕರೀರ್ ಪೇಶ್ ಫರ್ಮಾಯಿ. ಹರ್ ತಾಲಿಬ ಇಲ್ಮ್ಗೂ ಕನ್ನಡ ಸೀಖನೆಗೆ ಜರೂರತ್ ಹೇ. ಇಸ್ಲೀಯೇ ಕಿ ಬಿಜಾಪುರ್ಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮೇ ಆಪ್ ಚಲೇ ಜಾಯೆ ತೋ ವಹಾಂ ಪರ್ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಹಿ ಬಾತ್ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ತೋ ಹಮ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಖ ಲೇಂಗೆ ತೋ ಲೋಗೋಂ ಕೋ ದೀನ್ ಕಿ ದಾವತ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಬತಾನಾ ಹಮಾರೆ ಲಿಯೆ ಬಡಾ ಆಸಾನ್. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಮೇ ತಕರೀರ್ ಪೇಶ್ ಫರ್ಮಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಾಫಿಜ್ ಹಾರೂನ್ ಹಾಫಿಜ್ ಬುರ್ಹಾನ್ ಖಾನ್ ಕೋ ದಾವತ್ ದೇತಾ ಹೂಂ ಕಿ ವಹ ಆಯೆ ಔರ್ ಜೊ ಹೈ ಅಪ್ನಿ ತಕರೀರ್ ಪೇಶ್ ಫರ್ಮಾ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected teachers, honorable guests and my dear friends, today we have gathered here to celebrate a momentous occasion in our nation's history, that is India's Independence Day. As we look back, 15th of August 1947, we got freedom from the British colonial rule. Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of India to raise the national flag at the Red Fort near Delhi's Lahore Gate. As we stand here today, it is important to remember and honor the countless freedom fighters who have sacrificed their lives for the country's independence. Among them were many brave leaders like Maulana Abul Kalam Azad, Khan Abdul Ghaffar Khan, Ashfaqullah Khan, Hazrat Maulana Shah Abdul Aziz Dehlvi Rahmatullah Ali. And we also remember the forgotten hero General Shahnawaz Khan, who was the first to raise the national flag at the Red Fort by throwing the British flag. Let us take an oath today to lead the country in a better way and protect the democracy of the country. Thank you for giving me an opportunity to say some words. Jai Hind. Aap mazhab nahi sikhata, aapas mein bair rakhna, Hindi hai hum watan hai, Hindu sita hamara. Thank you.
माशाल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, वक्त का बेहतरीन जो है अंग्रेज़ी दा बनाए। उसके बाद मैं कौमी तराना पेश फरमाने के लिए हाफिज़ फैज़ुल्लाह खान, नौमान खान और उमर खान को दावत देता हूँ कि वह आए और कौमी तराना पेश फरमाए। بسم الله الرحمن الرحيم سارے جہاں سے اچھا دوستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا دوستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का वो संतरी हमारा वो पासबां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा माशाअल्लाह तीनों तलबा ने बेहतरीन अंदाज में कौमी तराना पेश फरमाया। अल्लाह हजरत को जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं इसके बाद बिला किसी ताखीर के हज़रत मोहतमिम साहब को बिला दामत बरकातहुम को दावत देता हूँ, वो जो है हमारे लिए अपने कीमती नसाए से नवाजें। نحمدہ و نصلی علیہ، اما بعد، وقال اللہ تعالی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا قابل قدر حضرات علماء اور اساتذہ نظام اور عزیز طلباء، آج ہم سب یہاں جو جمع ہیں وہ جشن آزادی منانے کے لیے، یعنی آزادی کی خوشی منانے کے لیے یہاں سب جمع ہے۔ طلبہ ادھر متوجہ ہو تاکہ ہمارے ذہن میں
ये बात है कि आज की आज़ादी क्यों मनाई जाती है। हर बच्चा ये जहन में रखना चाहिए कि आखिर हिंदुस्तान में किससे आज़ादी हमको मिली और इस मुल्क में क्या हुआ, हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। कोई पूछे तो बता देना भी चाहिए। 1612 ईस्वी, कितने ईस्वी है, 1612 ईस्वी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, 1612 ईस्वी, अब कितना चल रहा है 2024। तो इसमें मुगल बादशाह था जहांगीर के जमाने में, अंग्रेज ब्रिटिश वो बाहर ममालिक से यहाँ पर आए, बरतानिया से और दीगर ममालिक से, हिंदुस्तान के बादशाहों से बात की कि अगर आप इजाज़त दें तो हम यहाँ पे कंपनी कायम करें। क्या बनाएंगे, कंपनी बिजनेस के लिए, और नई नई चीज़ें बनाएंगे यहाँ पे, हम बिजनेस करेंगे जिससे मुल्क तरक्की में जाएगा। इसका पहला पुस्तक वो किसी तरह हमारे मुल्क में आ गए और एक कंपनी कायम की जिसे क्या कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर जैसे ही चंद साल गुजरे, बिजनेस के बहाने से आए थे, तिजारत के बहाने से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत जमा ली और जमा कर यहाँ के बादशाहों से सही मुकाबले के लिए और जंग के लिए तैयार हो आए थे, तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए, लेकिन यहाँ हुकूमत करने के लिए, यहाँ के बादशाहत हासिल करने के लिए, हमारे मुल्क पे कब्ज़ा जमाने के लिए कोशिश करते करते बादशाहों से ही जंग लड़ने की जाए। खैर मुख्तलिफ मौके पर जंगें भी हुई, सिराजुद्दौला के ज़माने में, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, सबसे पहले इनकी चालबाजी को, इनकी चालाकी को समझने वाले मुसलमान, मुसलमान बादशाह, उन्होंने समझ लिया कि अंग्रेज कितनी चालाकी से हमारे मुल्क में आए हैं, इनका इरादा ये है किसी तरह या इनकी हुकूमत कायम हो जाए। लिहाजा उसी वक्त से मुसलमान बादशाह खुसूसन खामोश नहीं बैठे, बल्कि इनको वक्तन फोक्तन इनसे जंगें की और इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, कोशिशें की। यहाँ तक के 1857 ईस्वी में जब मुल्क में सब जगह आवाज़ उठाई, हर आदमी इनसे कहा कि भाई इंडिया छोड़ो, क्या है, इंडिया छोड़ो। मालूम है कब से मेहनत, कोशिश तो 200-300 साल पहले से चालू हो गई, लेकिन 1857 में ज़्यादा सब लोगों के जहन में आया कि नहीं, हम अंग्रेज हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, सब मिलके कोशिश करना चाहिए। तो उसके बाद से 1857 से 1940-1947 तक कोशिश की, तकरीबन 100 साल, और पीछे हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना सब मिलाया जाए तो तकरीबन 200 साल की कोशिश और मेहनत के बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। अंग्रेज समझ गया कि अब यहाँ मेरा रहना मुश्किल है, गोया कि आप किसी को रात में अपना घर में सुलाए थे, बारिश आ रहा था या कहीं से आया था कि भाई मैं रात में घर में सो जाओ, सुबह उठ के चले जाओ,
या अपना काम करके चले जाओ, लेकिन उसका बजाय क्या हुआ, वो आदमी आपके घर में रात में सोया और सुबह को उठकर कहने लगा कि घर किसका है, किसका है, मेरा है, ऐसा अंग्रेज कहने लगे थे। तो इसलिए मुसलमान और खुसूस उलमा और हमारे देवबंद के उलमा, आज हम उनका नाम भी नहीं जानते। देखो आज हमारे तालिब इल्म ने अंग्रेजी में तकरीर की, कन्नड़ में तकरीर की, मुसलमानों के नाम बिल्कुल कम आए, ऐसा लगा कि गोया के मुसलमान कुछ किए ही नहीं, जबकि इसमें आगे बढ़ने वाले अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले, क्योंकि अंग्रेज सिर्फ मुल्क पे कब्जा जमाना नहीं चाहता था, उसकी कोशिश थी, बल्कि उसने हजारों मदरसों पर बुलडोजर चला दिया और कई मसाजिद को खत्म कर दिया, हजारों उलमा की गर्दनें काट दी, कत्ल कर दिया, जो भी उसके खिलाफ बोलता तो वो उसको कर देता, जलते तेल पर डाल दिया जाता, फांसी की सजा दी जाती, जगह में ठोस दिया जाता। इस तरह पूरी कोशिश के बाद जब उलमा ने कुर्बानी दी, जैसा कि आज गजा और फलस्तीन में मुसलमान ये कुर्बानी दे रहे हैं, इसराइल से लड़ रहे हैं, क्योंकि इसराइल उनको रहने नहीं देता, उस पर ज़बरदस्ती जाके कब्जा जमाया है, ये वहाँ का नहीं है, ये कब्जा जमाया उनके गांव में जाके बैठा है, तो इसलिए निकालने के लिए वो हजारों लोग कत्ल हो रहे हैं। यहाँ आज़ादी के वक्त में भी ऐसे ही कत्ल हुए, तब आजकल मीडिया है मालूम है, पहले उतना मीडिया नहीं था, यहाँ भी ऐसे ही कत्ल किया गया। तो उलमा उसके सामने खड़े हुए और लड़े, और दारुल देवबंद भी इसी तरह इसकी हिफाजत के लिए कि हमारे मुल्क पे अमन हो, हमारे मुल्क पे सबको इंसाफ मिले, सिर्फ मुसलमान नहीं, सब मजहब के मानने वाले को उसके मजहब पे चलना, आज़ादी से चलने का मौका मिले, इसके लिए क्या है, संविधान बनाया गया, एक कानून बनाया गया जिस पे सबको आज़ादी है, मदरसा भी चला सकते हैं, मस्जिद में अपने नमाज पढ़ते आज़ाद दे सकते हैं, मंदिर में अपने अपने मजहब के एतबार से वो अपनी इबादत कर सकते हैं, किसी को कोई रोक नहीं सकता। ये कानून उसके बाद बनाया गया, अंग्रेज को भगाया गया, लेकिन जैसा कि हमारे तालिब इल्म याकूब ने तकरीर भी की, उसमें बात समझाया कि आते आते अब फिर दोबारा यहाँ के लोग मुसलमानों को टारगेट करके तंग कर रहे हैं, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम क्या चाहते हैं, मुल्क में अमन चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अमन शांति, किसी पे जुल्म ना हो, इंसान तो इंसान, किसी कुत्ते पे जानवर पे भी जुल्म ना हो। भाई इस्लाम तो यही सिखाता है ना, इस्लाम सिखाता है कि भाई किसी कुत्ते को भी तकलीफ ना दी जाए, किसी जानवर को भी तकलीफ ना दी जाए। इंसानों को मारा पीटा जाता है, ये कोशिशें हो रही हैं, ऐसा करने वाले पूरे हिंदुस्तान के नहीं है, सब अच्छे लोग हैं, 5-10% कितने, 100 में से 5-10 लोग ऐसे हैं जो ऐसा चाहते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा अंग्रेजों को उसका नापाक इरादा था, उसने यहाँ से आज़ादी हासिल करके 1947 को, कब है, 1947 को यहाँ आज़ादी मिली, उससे पहले एक इंटोरियम गवर्नमेंट का क़याम अमल में आया, जिसके तमाम जो बॉडी थी अराकिन थे वो हिंदुस्तानी थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू हुकूमत का वज़ीर आज़म बनाए गए, सरदार पटेल को वज़ीर दाखिला, नवाबजादा लियाकत अली ख़ान को वज़ीर मालियत माल का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दस्तूर साजी असम्बली का सदर मुंतखब किया गया। आखिर 90 साल यानी 1850 पर 7 से 1940 पर 7 तक, अगर सिराजुद्दौला, सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सर सैयद अहमद वगैरह की जद्दोजहद को शामिल कर लिया जाए, तकरीबन 200 साल की बड़ी कोशिश के बाद
और कुर्बानियों के बाद 14-15 अगस्त यानी 20/7, 20/8 रमजान मुबारक, 27-28 रमजान मुबारक। अब हिजरी की तारीख चल रही 1440 पर 6, उस वक्त 1360 पर 6, मुताबिक 1940 पर 7 की दरमियानी रात ठीक 12 बजे हिंदुस्तान के उफुक पर आज़ादी का सूरज निकल आया, यानी उस दिन ऐलान हुआ और हिंदुस्तान रेडियो से बाकायदा आज़ादी का ऐलान किया गया 12 बजे रात में, 14 और 15 तारीख की रात में 12। अब आज़ादी के हर तकरीब में अल्लामा इकबाल का यह तराना बड़े शौक से हम पढ़ा जाता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता किसका है, हमारा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में, किसी का मजहब नहीं सिखाता, ये जो है ये सब मजहब के खिलाफ कर रहे हैं आपस में बैर दुश्मनी पर। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हमको कोई कहता है कि भाई आप बाहर के नहीं, हम इसी हिंदुस्तान के, ये वतन हमारा है। कोई कहता है तो तुम्हें जो भाई क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें जो भाई तुम यहाँ वाले नहीं, ये तो हमारा है, हम इसके लिए लड़े हैं, हमारे उलमा इसके लिए कुर्बानी दिए हैं, गर्दन कटा है 1000 उलमा कोई पे। अब कहते हैं कि भाई मदरसे वाले, इससे हिंदुस्तान को खतरा है, ये सारी चीज़ें इससे परेशान नहीं होना चाहिए, झूठ, ये क्या है, झूठ है। अल्लाह ताला हमेशा सच कहने वालों के साथ साथ होते हैं, सच वालों बोलने वालों की नजात होती है, और जिन्होंने जो सच्चाई के साथ खड़े हैं उनको ज़रूर नजात मिलेगी, झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। ये जो बातें बयान की गई हैं, समझ में आया कुछ, हाँ, हिंदुस्तान में अंग्रेज है, आपको कई कहे सुनो बिजनेस के वास्ते आहिस्ता आहिस्ता क्या करें, कब्जा कर ले को क्या, हुकूमत बनाने देखे या के लोगों से लड़े, के लोगों से लड़े और यहाँ से निकाल को फेंकने की कोशिश किए, लड़ेगा तो निकाल, लड़ेगा तो निकाल दिए नहीं, उसके लिए जानों की कुर्बानी और मदद खत्म किया जा रहा था उस वक्त दारुल देवबंद को, के मदरसे को कायम किया गया जो आज भी कायम है, जिससे 1000 उलमा पढ़े, 1000 मदरसे चल रहे हैं। मदरसों से इस मुल्क में अमन आता है, क्या आता है, अमन शांति मदरसों से मिलते हैं, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे मुल्क के लिए अच्छे लोग बनते हैं, यहाँ का नाम रोशन करते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला हम तमाम को हकीकी आज़ादी भी अता फरमाए और इस मुल्क में अमन और सलामती अता फरमाए, और जो शर फैलाने की कोशिश करें अल्लाह ताला उनको कमज़ोर फरमाए, मगलूब फरमाए, और हमारे मदारिस की, मसाजिद की, उलमा की और सबकी हिफाजत फरमाए, किसी इंसान पे जुल्म ना हो, ज़्यादती ना, ऐसा अमन अल्लाह ताला अता फरमाए। जब भी जुल्म होगा उसके लिए इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे, हाँ, जुल्म के आगे बढ़ के इंसाफ की बात और इंसाफ कायम करने के लिए कोशिश भी करेंगे, हो सके तो जान और माल की कुर्बानी भी देंगे इंशाअल्लाह। बात समझ में आई, अल्लाह चंद नाम है जिनको नहीं पढ़ते अक्सर, आज़ादी के उलमा हैं जिन्होंने कुर्बानी दी, पढ़ता हूँ मैं ताकि बच्चों को देता, मुजाहिद आज़ादी सल्तनत बगदिया के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर है, और इसी तरह मुजाहिद आज़ादी सिराजुद्दौला नवाब मुर्शिदाबाद बंगाल, मुजाहिद आज़ादी हजरत टीपू सुल्तान शहीद शेर मैसूर कर्नाटक रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद आज़ादी हजरत शाह अब्दुल अजीज़ साहेबजादे हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह राय बरेली यूपी, मुजाहिद आज़ादी सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर, मुजाहिद आज़ादी हजरत हाजी इमदादुल्ला साहेब महाजिर वकील रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद आज़ादी हजरत मौलाना कासिम नानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो फाउंडर हैं दारुल देवबंद के, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह
सरपरस्तदार लुक देवबंद हजरत मौलाना शेख मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना मजहर नानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मुजाहिद इस्लाम आज़ादी हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुजाहिद इस्लाम आज़ादी हजरत मौलाना फजल हक खैराबादी मुजाहिद इस्लाम आज़ादी मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुदा मुजाहिद इस्लाम आज़ादी मुफ्ती इनायत अहमद काकोई मुजाहिद इस्लाम आज़ादी मौलाना मोहम्मद जाफर थानेसरी मुजाहिद इस्लाम आज़ादी हजरत मौलाना यहिया अली अजीम आबादी मुजाहिद इस्लाम आज़ादी मौलाना अहमदुल्ला अजीम आबादी मुजाहिद इस्लाम आज़ादी मौलाना अब्दुलरहीम साहब अजीम आबादी मुजाहिद इस्लाम आज़ादी मौलाना रहमतुल्ला खेगानवी मुजाहिद इस्लाम आज़ादी मिर्ज़ा आशू अली बेग दहलवी मुजाहिद इस्लाम आज़ादी मौलाना नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता मुजाहिद इस्लाम आज़ादी मौलाना इमाम बख्श साहब मुजाहिद इस्लाम व आज़ादी मौलाना यूनी मुजाहिद इस्लाम आज़ादी हजरत शेखुल हिंद मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन देव मुहद्दिस दारुल देवबंद रहमतुल्लाह अलैह एक माल्टा की जेल में गए हजरत कई साल और इतनी तकलीफ दिया कि भाई तुम मैं आज़ादी के मुल्क को आज़ाद कराने को छोड़ दो और हमारे खिलाफ कुछ ना बोला छोड़ दे लेकिन जब बोला गया तो इनकी इनको जेल में डाला गया माल्टा की जेल में काला पानी की जेल बहुत दूर है मुल्क है माल्टा वहाँ पे रखकर हजरत शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह उनके कमर को दागा जाता था क्या किया जाता था दागा जाता था जब इंतकाल हुआ देखा कि कमर में गोश्त ही नहीं ये हमारे देवबंद के पहले शागिर्द पहले तालिब इल्म इसी तरह मौलाना मुजाहिद इस्लाम आज़ादी मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह नाम सुनती नहीं हजरत के फर्जंद मौलाना अरशद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह दामन बरकात हो इससे पहले बड़े फर्जंद थे हजरत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद मौलाना अरशद मदनी साहब दामन बरकात हो और हजरत के पोते हैं मौलाना महमूद असद मदनी दामन बरकात हो मौलाना महमूद साहब जमीयत के देखते रहते ना ये हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं मौलाना अरशद मदनी साहब दामन बरकात हो मौलाना हुसैन अहमद मदनी के बेटे हैं ये खानदान मदनी है इन इस ख़ानदान का इनके बड़ों का पूरे हिंदुस्तान पे एहसान है जिनकी लड़ने की वजह से जिनके मुजाहदों कोशिशों से आज हम अमन और सुकून से बैठे पढ़ रहे हैं कुरान पढ़ रहे हैं दीनी तालीम को पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं फैला रहे हैं सुकून के साथ दीन पे चल रहे हैं ये सब इनकी कुर्बानियों का नतीजा है दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए जो ज़िंदा है उनके साये को दराज फरमाए और जितने उलमा ने और जितने बरदार वतन ने मुल्क की आज़ादी के लिए कोशिश की उन्हें इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए वाखिर दवाना अलहम्दुलिल्लाह।